Hello student, today we see the very important topic that is the Routh's stability criteria and Routh's array. Okay, on that topic the problems will be also come in exam, also theory part will be come in exam. Okay, so see the important topic. So start, the first it is the Routh's stability criteria. Okay, what is the Routh stability criteria? The first point, okay, the first point it is, the stability is major decide whether given system is practically useful or not. Okay, जो भी stability है ये क्या है, major क्या है, क्या decide करता है कि वो जो system है वो practically आपके लिए useful है or not. Okay, so the stability can be determine from location of roots of characteristic equation in S plane. Okay, जो भी stability है वो हम लोग कैसे determine करते हैं, that is the roots of characteristic equation. Okay, so जो भी roots है characteristic equation के in S plane में, उस पर से हम लोग क्या determine करते हैं, location determine करते हैं और stability भी उस पे से आपको पता चलती है. ओके, सो सी द नेक्स्ट, दैट इज द टू सॉल्व द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विथ अ हायर ऑर्डर इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड. ओके, अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सॉल्व करना है और उसका जो ऑर्डर है अगर हाई है तो उसको सॉल्व करने में बहुत क्या आते हैं, कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, कॉम्प्लिकेटेड रहता है. ओके, एंड टाइम कंज्यूमिंग, ये जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, हम जो अगर हायर ऑर्डर रहा तो क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है. और ये अगर हम Routh's stability criteria अगर यूज़ करते हैं तो वो टाइम कंज्यूमिंग भी रहेगा. मीन्स हम लोग Routh's stability criteria कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, अगर हायर ऑर्डर आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो. और यहाँ से क्या होगा, फिर हम लोग stability criteria अगर यूज़ किया तो क्या होगा, आपका टाइम भी कंज्यूम हो जाएगा. ओके, सो Routh's stability criteria tells us about the location of roots इन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. Routh स्टेबिलिटी क्राइटेरिया से आपको क्या पता चलता है, दैट इज़ द लोकेशन ऑफ रूट्स इन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विदाउट सॉल्विंग द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं इस पे से, मीन्स Routh स्टेबिलिटी क्राइटेरिया से जो भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसको आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ता है और आपको जो रूट्स है, मीन्स रूट्स जो है लोकेशन के, मीन्स रूट्स का जो लोकेशन है वो आपको क्या है रहता है, पता हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस Routh's स्टेबिलिटी क्राइटेरिया. ओके, सो सी द नेक्स्ट, दैट इज़ द Routh अरे. अभी इसमें क्या है, Routh's अरे में, Routh's अरे में जो पॉइंट है, सो सी द फर्स्ट पॉइंट इज Routh's stability criteria based on the special type of array called as Routh's array. जो Routh's stability criteria है वो किस पे depend होता है, special type of array है उसका नाम है, that is the Routh's array. Okay, hence this method is also known as the Routh's array method. Means ये जो method है उसको हम लोग और भी नाम से पहचानते हैं, जैसे कि Routh's array method. Okay, कंसिडर हम लोग कंसिडर करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपका ऐसा है, अगर एफ ऑफ एस, अगर ये ए ज़ीरो एस रेस टू एन प्लस ए वन एस रेस टू एन माइनस वन प्लस अप टू ए एन इक्वल्स टू ज़ीरो. ओके, हियर वी अज्यूम दैट ऑल कोएफिशिएंट्स आर पॉजिटिव. हम लोग यहाँ पे क्या अज्यूम करते हैं कि जो भी कोएफिशिएंट्स है वो क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे. देन अरेंज द कोएफिशिएंट इन स्पेसिफिक फॉर्मेट एज गिवन बिलो विच इज़ कॉल्ड एज द Routh's अरे. ओके, अभी हम लोग जो है इसके बेस पे एक अज्यूम करके एक प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं. तो ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है, इसके बेसिस पे आपको क्या करना है, जो भी कोएफिशिएंट्स है उसको अरेंज करना है Routh's अरे में. ओके, सो सी ये जो कोएफिशिएंट्स है, देखो ए ज़ीरो ए वन अप टू ए एन. ओके, ये जो कोएफिशिएंट्स है आपको ये अरेंज करना पड़ता है और इसमें जो है आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन
एक से ज़्यादा भी दे रहे थे तो कोएफिशिएंट्स क्या होंगे आपके, जैसे कि ये अगर वन है तो सेकंड इसमें कोएफिशिएंट्स क्या रहेंगे, दैट इज बी जीरो बी वन सो ऑन अप टू बी एन, थर्ड इसमें क्या रहेंगे सी जीरो सी वन सी एन, ठीक है ऐसे रहेंगे। तो आपको ये अज्यूम करना है और सॉल्व करना है। सो सी आपको जो है राउस क्राइटेरिया कैसे सॉल्व करना है। सो फर्स्ट यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी क्या दिए हैं आपके कोएफिशिएंट्स दिए हैं, एस दिया है, एस रेस टू एन माइनस वन दिया है, एस रेस टू एन माइनस टू दिया है, एस रेस टू एन माइनस थ्री दिया है, अप टू हम लोग एस रेस टू जीरो तक लेंगे, ठीक है। बाद में आपको ये कोएफिशिएंट्स जो है अरेंज करना है, फर्स्ट आएगा ए जीरो आएगा, ठीक है ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आपको यही आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। मीन्स ए जीरो का जो भी वैल्यू रहेगा वो यहाँ पे पुट करना है, ए टू का यहाँ पे पुट करना है, ए फोर का यहाँ पे पुट करना है और ए सिक्स का यहाँ पे पुट करना है। वैसे ही सेकंड रो में क्या आएगा आपका, ए वन आएगा, ए थ्री आएगा, ए फाइव आएगा और ए सेवन आएगा। तो इसमें से आपने क्या ऑब्जर्व किया है, जो फर्स्ट रो है समझो, जो ये फर्स्ट रो है उसमें क्या है, ये सब इवन नंबर्स आ रहे हैं और सेकंड रो जो है ये इसमें क्या आ रहे हैं, ऑड नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। उसी तरह अगर आपका दूसरा इक्वेशन है तो उसका भी लिखना है। दूसरा इक्वेशन मीन्स इसको अभी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करना है, ये जो बी वन है बी वन की वैल्यू कैसे आएगी इसका भी फॉर्मूला है, बी टू की वैल्यू कैसे आएगी इसका भी फॉर्मूला है, बी थ्री की कैसे आएगी, बी फोर की कैसे आएगी इसका भी फॉर्मूला है, सेम एज टू सी वन की कैसे आएगी, सी टू सी थ्री और सी फोर की वैल्यू कैसी आएगी, ये आपको गिवन, ये जो वैल्यूज़ है ये आपको गिवन रहेगी और ये फाइंड आउट करनी रहेगी, ठीक है। सो इस तरह हम लोग अभी जो है फॉर्मूला भी देख लेंगे, बी वन बी टू बी थ्री और सी वन सी टू सी थ्री का भी फॉर्मूला देख लेंगे। और इसको कैसे सॉल्व करना है वो भी देख लेंगे। अभी बी वन का फॉर्मूला देखो, बी वन का फॉर्मूला है ए वन इंटू ए टू माइनस ए ज़ीरो इंटू ए थ्री, ओके मीन्स ए वन इंटू ए टू मीन्स जो भी ए वन है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए वन ए टू से, और ए माइनस क्या है ए ज़ीरो इंटू ए थ्री, ओके। सो इन दोनों का क्रॉस आपको करना पड़ेगा, सबसे पहले ए वन से स्टार्ट करना है। आपका जो फॉर्मूला है देखो, ए वन इंटू ए टू माइनस ए ज़ीरो ए थ्री अपॉन डिवीजन में क्या आएगा आपका, ए वन आएगा, ठीक है। यहाँ पे बी वन का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए वन इंटू ए टू माइनस ए ज़ीरो इंटू ए थ्री डिवाइडेड बाय ए वन, ठीक है। ये तो ये हो गया आपका बी वन का फॉर्मूला। अभी बी टू का फॉर्मूला देखेंगे। अभी इसी तरह आपको बी टू का फॉर्मूला भी देखना है, क्या है क्या है बी टू का फॉर्मूला देखो, ए वन इंटू ए फोर एंड ए ज़ीरो माइनस ए ज़ीरो इंटू ए फाइव। अभी यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये जो फर्स्ट कोएफिशिएंट है वो सेम है, ठीक है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, और जो डिनोमिनेटर है वो भी सेम है, तो वो सभी इसमें सेम है देखो, बी वन बी टू बी थ्री में, ठीक है। अभी वो चेंज क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी जो भी सेकेंड इसका वैल्यू लेना है वो आपको कंसिडर करना है। मीन्स बी टू का क्या फॉर्मूला बनेगा, ए वन इंटू ए फोर माइनस क्या, ए ज़ीरो इंटू ए फाइव अपॉन ए वन, ठीक है। एक स्टेप आपको जो है एक्स्ट्रा कोएफिशिएंट कौन से ऐड होंगे, ये वाले किस में, बी टू में, और बी थ्री में कौन से ऐड होंगे, ये आगे वाले, ठीक है। ऐसे ही आपको जो है जितनी भी टर्म रहेगी आपको वो निकालनी है, वैसे ही सी वन में आपको करना है। अभी सी वन के भी फॉर्मूले देख लेंगे, सी वन सी टू सी थ्री, तो सी वन सी टू सी थ्री के फॉर्मूले देखो क्या है, सी वन सी टू सी थ्री में भी देखो जो फर्स्ट वैल्यू है वो सेम है, क्या है बी वन है, और इसमें भी क्या है ए वन है, ठीक है। और जो चेंज हो रहा है, और डिनोमिनेटर भी क्या है सेम है, ठीक है। इसमें चेंज क्या हो रहा है, जो रहती है आपकी वो जो सेकेंड टर्म है वो चेंज हो रही है देखो सभी इसमें, ठीक है। तो अभी देखो इसको भी वैसे ही लिखना है जो हमने बी वन बी टू बी थ्री के फॉर्मूले देखे हैं। तो क्या आएगा देखो, बी वन इंटू ए थ्री माइनस ए वन इंटू बी टू। सो आपका सी वन का फॉर्मूला क्या बनेगा, बी वन इंटू ए थ्री माइनस ए वन इंटू बी टू अपॉन
B1. ओके सो सी द फॉर्मूला ऑन द बेस ऑफ राउट अरे क्या है B1 इंटू A3 और A1 इंटू B2. सो B1 इंटू क्या है B1 इंटू A3 और यहाँ पे क्या आएगा A1 इंटू B2 डिवाइडेड बाय B1. ये किसका फॉर्मूला आएगा C1 का. वैसे C2 का क्या बनेगा C2 का भी हम लोग सेकंड ये वाली तो क्या होगा B1 इंटू A5 और A1 इंटू B3 और डिवाइडेड बाय फिर से B1 ही आएगा तो ये रहेगा C2 का. C3 के लिए ये कंसिडर करेंगे आगे का. ऐसे ही आपको क्या करना है ये आगे की वैल्यूज़ क्या करने हैं निकालने हैं. उसी तरह अभी यहाँ पे D1 आएगा D2 आएगा D3 आएगा ठीक है. सो सेम अभी D1 D2 D3 के भी फॉर्मूले में क्या आएगा सेम ही चेंज आएगा. देखो C1 डिनोमिनेटर में क्या है सेम है. यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो भी सेम है और जो सेकंड उसके साथ में रहता है वो सिर्फ क्या होता है चेंज होता है ठीक है. सो इस तरह आपको ये फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं और इसके बेसिस पे आपको क्या करना है प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं. ओके सो थैंक यू.